लोकतंत्र का खुला मजाक और मखौल बनाया जा रहा है। इस चुनाव के कोई मायने नहीं होता कि इस प्रकार से बेईमानी खुलेआम की जाए। सुबह से ईवीएम मशीनें खराब हैं, ईवीएम मशीनें बंद कर दी गई। मतदान को प्रभावित करने के लिए रोजेदार लाइन में लगे रहे और ज़्यादा देर लाइन में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए ये जानबूझकर साजिश के तहत ईवीएम को ख़राब किया गया। और जो 8 बजे की कंप्लेन है वो 12 बजे तक एंटरटेन नहीं हुई, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ सो रहा है। ये मशीने खराब होने के दौरान कुछ कार्रवाई की गई निर्वाचन आयोग की तरफ से? देखिए, निर्वाचन आयोग को चौधरी तबस्सुम हसन साहब ने भी लिखा, पार्टियों की तरफ से भी लगातार निर्वाचन आयोग में कहा जा रहा है, और सब कुछ हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास होकर भी उसका कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि रिजल्ट उसका कुछ आ जाए। तो जब ये मशीने नहीं सही हो पा रही है तो क्या इसका इलेक्शन पे जो प्रभाव पड़ेगा? तो मैं मतदाताओं से अपील की है कि डटे रहें, जमे रहें।